सत्संगत जी, ये जो मैं आज आपको वीडियो सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सत्संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी कई संत सम्मेलन में जाते हैं और संत सम्मेलन में ऐसे ही बाबा जी से एक संत पूछते हैं कि बाबा जी आप कितनी देर सिमरन करते हैं। बाबा जी कहते हैं, मैं तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सिमरन पर बैठता हूँ। और वो संत पूछते हैं, बाबा जी अब सिमरन पर बैठते हैं तो आपके साथ कुछ होता है? तो बाबा जी कहते हैं कि जब मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे कोई अंदरूनी ताकत जो है खींचने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अपने मन पर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देता। जैसा कि आपको पता है कि मेरे ऊपर कई जो सत्संगी हैं उनका भी बोझ होता है, इसी कारण वो जो चीज़ मुझे सिमरन करने से रोकती है, इसी कारण मैं सिमरन करता रहता हूँ। सत्संगत जी, आगे बाबा जी कहते हैं कि मुझे सिमरन करते हुए बड़ा मज़ा आता है, और जब मैं सिमरन करता हूँ मुझे ये नहीं पता चलता कि कब दिन से रात हो जाती है और मेरे अंदर शब्द धुन भी सुनाई देती है। वो संत जो संत थे वो कहते हैं, बाबा जी आप तो बहुत करने वाले हो, बहुत पहुँचे हो, आपकी भजन सिमरन की बड़ी चर्चा होती है। तो बाबा जी कहते हैं, मेरे जड़े गुरु थे वो मुझसे भी ज़्यादा करने वाले थे और उन्होंने मुझे बताया कि सिमरन कैसे करना चाहिए। जब भी सिमरन करें अपने मन में कोई भी भावना ना रखें और कोई भी बात ना रखें और इसके बिना सिमरन करें। बाबा जी कहते हैं, जब मैं सिमरन करता हूँ तो मेरा पूरा ध्यान सिमरन पर होता है और मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सुनता और मैं सिमरन भी बड़ी लगन से करता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि सिमरन करते समय हमेशा अपने गुरु का ध्यान कीजिए, जिन्होंने आपको बीज मंत्र दिया है, नाम दान दिया है, और उनके उस नाम दान की लाज रखते हुए आपने उस नाम दान का जाप ऐसे करना है कि आपको ऐसा लगे कि आप दुनिया भूल गए हैं। बाबा जी आगे कहते हैं कि कई सत्संगी मैं देखता हूँ नाम दान तो ले लेते हैं लेकिन सिमरन नहीं करते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा करने से आपके कर्मों का जो बोझ है वह हल्का नहीं होगा, आपको अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। वो संत कहते हैं, बाबा जी आपके हिसाब से जिन्होंने नाम दान लिया है वे कितने प्रतिशत जो है सिमरन करते हैं? बाबा जी कहते हैं, अगर सच बात पूछी जाए तो 100 में से सिर्फ 40% ऐसे इंसान हैं जो सिमरन करते हैं और बाकी नहीं करते। तो सात संगत जी, अगर आप भी उन 40 में आते हैं तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और सभी सात संगत जी का प्यार भरी राधा स्वामी जी।